नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का, पहला दिन है महीने का। सो गाइस, मेक अप योर टारगेट्स और अपने टारगेट्स को बना लीजिए। एग्जाम आ रहा है पास, ओके 10 जून में, अब 10 अक्टूबर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सो इवेंचुअली गाइस, टुडे विल बी फिनिशिंग ऑफ विद दिस टॉपिक, एटमोसफेरिक सर्कुलेशंस कह लीजिए आप इनको, या फिर आप इनको आज प्रेशर बेल्ट्स कह लीजिए। ओके, सो ये तीनों क्लासेस बच्चों आज की, कल की और परसों की, ओके तीनों क्लासेस आपकी कनेक्टेड क्लासेस हैं। सो यू बेटर वॉच ऑल थ्री ऑफ देम। टुडे विल एंड अप फाइनली बाय डूइंग द प्लैनेटरी विंड्स। ओके, तो प्लैनेटरी विंड्स करके हम जो है आज का जो टॉपिक रहेगा, दैट विल बी द प्लैनेटरी विंड्स। आई विल ऑल्सो शो यू एनिमेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो अब तक आपने नहीं देखे होंगे। मैंने आपको बोला था, होमवर्क मैंने आपको दिया था कि देख लेना, मगर नहीं देखे होंगे तो बच्चों, नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा आज। ओके, सो आई एम इट या देव, गुड आफ्टरनून कंट्रोल ऑप्स, ज्योति, सोनिया, गुड आफ्टरनून, रोहित, आनंद, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, तनुश्री। सो गाइस, आई विल शो यू एनिमेशन टुडे ऑल्सो, एंड टुडे विल बी द कल्बिनेशन ऑफ दिस क्लास दैट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट 3 डेज। बच्चों एक्चुअली तीनों टॉपिक यार ये इतने इंटरलिंक्ड है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, आपके सेलुलर मॉडल, और अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेनेटरी विंड्स। ओके, ये तीनों आप मान लो एक ही टॉपिक है, अलग टॉपिक कहना इनको जो है ठीक भी नहीं है, एक ही टॉपिक है, एक ही चीज़ों से इंटरलिंक्ड है। तो आई होप बच्चों आप भी इंटरलिंक्ड हो सिक्योर प्रेम्स इनिशिएटिव से, जहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस 11 बजे और 3 बजे। ओके, तो अन अकेडमी बच्चों आप मुझे कह रहा है कि इसकी क्लास को जो है, एक क्लास को आपको है आप प्लस पे भी लेनी पड़ ले डालनी पड़ेगी। सो मे बी इन फ्यूचर, लाइक इन नियर फ्यूचर, इन वेरी लाइक 5-6 डेज वी विल हैव जस्ट वन क्लास। ओके, फॉर द फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री में जो हमारा स्पेशल क्लासेस होती है वहाँ पे हमारी एक ही क्लास हुआ करेगी, एक क्लास जो है प्लस पे हुआ करेगी इस तरह की। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों फ़ायदा उठाएँ। ओके, और एवेंचुअली जो है आप लोग जो है प्लस पे आएँ, आपसे यही मेरी एडवाइस है। कल काफ़ी ऑफर्स थे, काफ़ी बच्चों ने लिया सब्सक्रिप्शन। रिपोर्ट एंड विन गाइस, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट कोई भी एजुकेटर आपको दिखाता है तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अन अकेडमी स्कॉलरशिप के लिए आप, आई होप आप टेस्ट दे ही रहे हो हर संडे को 11 बजे और इनाम जीत रहे हो। तो प्लस और आइकॉनिक भी बच्चों हमारे से जुड़ सकते हो। आइकॉनिक इज अ प्रीमियम प्लान वेर यू गेट पर्सनल गाइडेंस बाय एन अकेडमी मेंटोर, ओके टेस्ट एनालिसिस, ओके स्टडी प्लानर वगैरह। बाकी प्लस इज अ स्टैंडर्ड प्लान वेर यू गिव ऑल द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडीड बाय द टॉप एजुकेटर्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर 19 रिजल्ट, ओके यूपीएससी। 30 तारीख से बच्चों कल से कई बैचेस चालू हो गए हैं, और आने वाले समय में ऑप्शनल के भी बैचेस चालू हो चुके होने वाले हैं, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, पबैड, PSIR, साइकोलॉजी। 20 बुक्स आपको मिलती है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बच्चों और एक अच्छी तरह से अपनी तैयारी को जो है पाथ पे ले जा सकते हो बाय द कोड SIDUPSC कोड यूज करें गाइस, और ये सारी चीज़ों का फायदा उठाएं, स्पेशली द मेंटरिंग, अशोर्ड मेंटरिंग एंड गाइडेंस बाय मी 24/7। यू विल बी कनेक्टेड ऑन माय पर्सनल फोन नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। एक बार लाइक और शेयर बच्चों जरूर कर दे, आप उधर लाइक करते हो और शेयर करते हो, इधर मेरे में पावर आ जाती है। ओके, उधर मेरे में पावर ट्रांसफर हो जाती है। पावर बच्चों ट्रांसफर होने से मैं भी आपको नॉलेज ट्रांसफर जो है और बेटर तरह से कर पाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो ये एनर्जी का बच्चों आदान प्रदान जो है चलते रहना चाहिए। चलते हैं हमारी आगे क्लास पे। तो बच्चों दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान, यू कैन यूज माय कोड एंड टेक द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट। एंड गाइस, नॉट जस्ट डिस्काउंट, यू गेट मेनी स्पेशल थिंग्स विद दिस कोड। दिस इज अ स्पेशल कोड है ये, जिसमें कि आपको मेरे द्वारा गाइडेंस और मेंटरिंग भी मिलती है। तो जो कॉम्बो प्लान ले, मेरे हिसाब से लिंक ना मिले तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। जीएस का लेना अकेले फायदेमंद नहीं है। अब काफी बच्चे बच्चों हमारे 90% बच्चे, 99% बच्चे सोचते बस प्री निकाल लेते हैं, और प्री निकाल के बस सीधे IAS की कुर्सी तैयार है और गाड़ी आ जाएगी घर के बाहर लाल बत्ती की। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्री तो सिर्फ एक भीड़ हटाने के लिए है, असली जो एग्जाम है आपका मेंस है, उसके बारे में आप में से 19% लोग सोचते ही नहीं है। और मेंस का बच्चों एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, 1/3 मार्क्स जो मेंस के ऑप्शनल पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, ओके तो आप कॉम्बो में लें ताकि आपको ऑप्शनल भी जो है आपका हो सके, ठीक है। तो गाइज ये मैं आपको सब बता ही चुका था, आई होप आपको PDF मिल गई हो, नहीं मिली होगी तो मैं आज भेज दूंगा, आई विल चेक ऑन द ग्रुप,
टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा। नहीं, विंड वगैरह मैं आपको समझा ही चुका था। तो विंड बच्चों वही नहीं है जो हॉरिजॉन्टली चल रही है, ऊपर नीचे भी चलती है विंड, समझ रहे हो? अपड्राफ्ट्स कहते हैं उनको, कन्वेक्शंस कहते हैं। ओके, वर्टिकल मूवमेंट भी होता है विंड का, एयर का, और हीट और मॉइस्चर ये ट्रांसफर करती है। धरती जो है बच्चों एक इक्विलिब्रियम बनाने की होड़ में रहती है हमेशा, उसके लिए वो हीट ट्रांसफर करती है बाय द वेरियस मैकेनिज्म, बाय प्रेसिपिटेशन, बाय विंड्स, बाय ओशन करंट्स, एक टेम्परेचर, एक असमानता जो क्रिएट होती है व्हेन द सन पार्शली, सन बच्चों भेदभाव करता है, इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी छोड़ता है और पोल पे कम गर्मी छोड़ता है, मगर अर्थ बच्चों अपने साथ, अपने बच्चों के साथ या नेचर जो है अपने साथ भेदभाव नहीं करता, वो इस हीट को डिसिपेट करता है। ओके, गर्मी को ठंडे इलाकों में भेजता है, ठंड ठंड को गर्मी वाले इलाकों में बुलाता है। दिस इज हाउ द अर्थ मेंटेन्स या इक्विलिब्रियम। कोरियोलिस फोर्स वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, आज मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता बच्चों। 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे, फेरल्स लॉ पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल की और परसों की क्लासेस देख लेना। ये तीनों क्लासेस बच्चों एक सीरीज है पूरी, है ना? तो आज ये सीरीज का एंड हो रहा है, और कल तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कल बच्चों मैं छुट्टी पे हूँ, फ्राइडे को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ पर्सनल वर्क है, इमरजेंसी वर्क है, आपको पता है मैं हार्डली कभी कोई क्लास ऑफ करता हूँ, बट कल बच्चों आई एम सॉरी, आई हैव सम पर्सनल वर्क, सो आई हैव टू फैमिली फंक्शन, सो आई हैव टू बी देयर। सो कल हम मिलेंगे नहीं, सैटरडे को पर जरूर मिलेंगे हम, जब आपको कोई नहीं पढ़ाता तब हम पढ़ाते हैं आपको, सैटरडे और संडे को भी। तो सैटरडे को शाम को मैपिंग की क्लास अपन जरूर करेंगे। ओके, तो आज लास्ट क्लास है, कल आप फ्री हो, रिवाइज करिएगा। कल मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, प्लानिटरी बाउंड्री लेयर क्या होती है, ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड यू यस्टरडे। ओके, प्रेशर जोन्स बच्चों बहुत जरूरी है, पहली क्लास की शुरुआत में मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, सबसे बेसिस यहीं से चालू होता है, यहीं से विंड्स निकलती हैं, ये ट्रेड जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहीं से सेल बनते हैं तीन, हार्डले पोरल, हार्डले फेरल और आपके हार्डले फेरल और पोलर सेल, ठीक है? 3D सर्कुलेशन कल पूरा हम पढ़ चुके हैं, हार्डले सेल आपका किस तरह से बनता है एक एक चीज हमने पढ़ी, यहाँ से हवा उठती है, राइट लेफ्ट जाती है, इधर गई फिर यहाँ सिंक हो जाती है, ये चक्कर पूरा कहलाता है हार्डले सेल। यहाँ पे आपका फेरल सेल बनता है, यहाँ आपके पोलर सेल बनता है, सब समझा ही दिया था मैंने कल आपको, हार्डले सेल का स्टैंड अलोन डायग्राम है आपके लिए। ओके, तो बच्चों ये है आपके हार्डले सेल, ठीक है, अपर कन्वेक्शन एंड हार्डले सेल। बच्चों टुडे वी विल लर्न अबाउट बेसिकली अबाउट द विंड्स, फेरल सेल मैंने बता दिया था, ये तीनों सेल्स आप दोबारा देख लीजिए एक बार। और बच्चों अब चलते हैं अपन सीधे आज की क्लास पे, प्लैनेटरी विंड्स। तो जो मीनिंग क्या है प्लैनेटरी विंड्स से, आप समझते क्या हो? ओके, शुगेश, जितनी भी तरह की हवाएं चलती है, जितनी भी तरह की हवाएं चलती है धरती के सरफेस पे, उन्हें हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। आज मैं आपको एनिमेशन भी दिखाने वाला हूं, तो बच्चों जरूर देखिएगा एनिमेशन, जिससे आपको एकदम कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। ओके, साफ पानी की तरह, गंदे पानी की तरह नहीं, साफ पानी की तरह। तो बच्चों तीन प्रकार की विंड्स होती है। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स आर देयर, प्लैनेटरी विंड्स आर देयर। ओके, प्लैनेटरी विंड्स जिनको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं, जिनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, जिनको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं, सभी एक ही चीज है। ओके, मेरा नाम सिद्धार्थ भी है, घर पे मेरा नाम कुछ और है, तो हूं तो मैं ही हूं, समझ रहे हो? तो परमानेंट विंड्स, प्राइमरी विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स। यूपीएससी की बच्चों आदत हो गई है, अभी यूपीएससी की आदत बहुत खराब है कि अपनी आदत क्या है, बदलती रहती है, तो आदत बदलती रहती है। तो अभी बच्चों यूपीएससी, अब नई आदत यूपीएससी ने जो अपनाई है वो ये है कि आपको वो एक ही चीज को अलग अलग नाम से पूछती है, ठीक है? ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको, एक ही चीज आपको अलग अलग नाम से पूछेगी, तो ये बेहतर है कि आप हर नाम से इसको याद रखें कि विंड्स हैं ये परमानेंट, प्राइमरी, प्रिवेलिंग, प्लैनेटरी, ये सब एक ही प्रकार की विंड्स है, जिनको हम मेजरली तौर पे हम इनको प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, ये सबसे मोस्ट यूज्ड वर्ड है प्लैनेटरी विंड्स। इसलिए गाइस इनको प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल कवर करती है ये तीन टाइप्स की विंड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, और ये तीनों प्रकार की विंड्स जो है पूरे बच्चों प्लैनेट पे कवर करती हैं, तो समझ रहे हो? तीन टाइप्स की विंड और पूरे प्लैनेट पे कवर कर रही है, इसलिए हम इनको प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। सिर्फ आज अपन यही पढ़ेंगे प्लैनेटरी विंड्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विंड्स होती हैं पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, पूरे ग्लोबल क्लाइमेटिक
थिंग्स ओके, ग्लोबल क्लाइमेटिक इफेक्ट्स को ये इफेक्ट डालती हैं साथ सीधा का सीधा। सेकेंड कैटेगरी होती है बच्चों सेकेंडरी विंड्स और पीरियोडिक और सीजनल विंड्स, ठीक है। ये टेरिटरी वाइज हम कहते हैं कि ये कुछ छोटे एरिया में कंसेंट्रेटेड कंसेंट्रेटेड होती हैं, पूरे प्लेनेट पे हम नहीं कह सकते। मॉनसून देख लो आप, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में भारत का जो पार्ट है और एक दो जगह और है दुनिया में, वहां आता है बस, ठीक है। ये होती है सेकेंडरी इवेंट्स। लैंड और सी ब्रीज सिर्फ समुद्र के किनारे पे आपको मिलेंगी। ये माउंटेन वैली, जहां बड़ा माउंटेन है और नीचे वैल्यू है, वहां मिलेगी। ये सेकेंडरी इवेंट्स होती है गाइस, ओके। इनके बारे में हम बाद में अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें ज्यादा कंसेप्शनल चीजें कम हैं और रेगुलर स्टफ इज देयर मोर देयर, ओके। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स बच्चों बिल्कुल ही बहुत ही छोटे स्तर पे, जैसे लू हमारी चलती है सिर्फ राजस्थान में, ओके। थार डेजर्ट से हवा गर्म होती है और वो फ्लो करती है ईस्टर्न राजस्थान में, दिल्ली की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, यूपी की तरफ। लू समझ रहे हो, मिस्ट्रल, फोन, बोरा, चिनूक, ओके, ब्लिजार्ड्स, सिरोको, हरमैटन, ये सब आपके लोकल विंड्स है। इसको भी पूरा अपन अलग क्लास लेंगे, तो तीन क्लास और होंगी आपकी भी क्लाइमेटोलॉजी की, मतलब विंड को लेके। आज ये पहली क्लास आप मान सकते हो, सेकंड क्लास आपकी जो है सेकेंडरी विंड्स और पीरियोडिक विंड्स पे होगी, थर्ड क्लास आपकी पूरी लोकल विंड्स पे होगी, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स जो है वर्ल्ड में, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो हम सारी पढ़ेंगे। अब वैसे तो बच्चों कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर इलाके में अलग विंड है, तो उसका हर अलग नाम है, मगर जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ओके, वो आपको पढ़ाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस टुडेस क्लास विद द परमानेंट विंड्स और द प्राइमरी प्लानिटरी विंड्स, ठीक है। ये आज का मुख्य मुद्दा रहेगा टॉपिक का, डिस्कशन का। लेट्स मूव ऑन, ओके। सो वो जो प्राइमरी प्रिवेलिंग और प्लानिटरी विंड्स, इनको क्यों कहा जाता है, ओके। परमानेंट, एक तो परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस ये मोस्टली परमानेंट रहती हैं। इनका डायरेक्शन जो होता है, इनका जो इंटेंसिटी होती है, वो थोड़ी बढ़ती घटती रहती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो परमानेंट होती है पूरे साल में। इनका जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, इसलिए हम इनको परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स, ओके ओके। प्लैनेटरी विंड्स इनको इसलिए कहा जाता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बिकॉज दे हैव अ लार्ज ग्लोबल डायमेंशन, दे कवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लैनेट अर्थ, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैनेटरी विंड्स, ओके। सबसे बच्चों सिग्निफिकेंट विंड हैं, दुनिया की सबसे सिग्निफिकेंट विंड्स हैं ये, ठीक है। अगर मैं आपकी अर्थ की बात करूं, ये इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये सब पोलर लो है, तो बच्चों ये ट्रेड विंड्स चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लैनेटरी विंड्स, ये वेस्टर्लीज हैं और ये ट्रेड विंड्स है बच्चों। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट विंड्स है दुनिया की, जो ह्यूमंस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालती है, समझ रहे हो आप, डायरेक्टली द इफेक्ट द पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो स्टक हो रहा है, एक मिनट रुकिए आप, है ना, ओके। ये स्टक हो रहा है बच्चों, स्टक, सो बच्चों अब नहीं होगा स्टक, एक मिनट दीजिए मुझे। सो गिव मी सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड गाइज, ओके, गिव मी अ सेकेंड टू फिक्स द इशू, ठीक है। अभी नहीं होना चाहिए स्टक मेरे हिसाब से, ऑल राइट, ठीक है गाइज, अभी नहीं होगा स्टक, ओके। सो बच्चों सबसे सिग्निफिकेंट विंड्स हैं, ओके। सर आई एम ऑल्सो फीलिंग स्टक एज द वीडियो गॉन स्टक, ओके, डोंट गेट स्टक, ओके, आई एम नाउ खींच लिया है मैंने आप सबको, तो बच्चों अभी स्टक नहीं होगा वीडियो, ठीक है, अभी मैंने सही कर दिया है। अभी भी स्टक हो तो आप बोलो मुझे, ठीक है।
सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली द वेस्टर्ली एंड द ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत तरह से ये ह्यूमन लाइफ को, प्लांट लाइफ को, वेजिटेशन को, बायोम्स को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। दे इफेक्ट इफ दे आर ऑन शोर दे ब्रिंग लॉट ऑफ वाटर, इफ दे आर ऑफ शोर दे क्रिएट डेजर्टिक कंडीशंस देयर। ओके अभी सही हो गया, यस बिल्कुल सही है, थैंक यू। ओके यस सर यू कैन टेक योर टाइम, थैंक यू डॉली। तो बच्चों समझ गए, अब चलते हैं आगे की ओर। अब अभी अभी ट्रेड रेट बच्चों दिमाग मत लगाओ कुछ भी, अभी मैंने आपको कुछ नहीं समझाया तो कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि तीन प्रकार की विंड्स होती है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट, प्राइमरी, प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड्स को, बस। ओके ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक एनिमेशन देखने को बोला था, ठीक है मैंने आपको बोला था एक एनिमेशन देखना बच्चों, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है वो मुझे पता है, ठीक है मैं आपको इतना पढ़ाया लिखाया ओके इतना कुछ किया, अगर आपने उसके बदले एक एनिमेशन भी नहीं देखा बच्चों, मैं कोई एनिमेशन दिखाता हूं जिसमें सारी चीजों के बारे में एक रिविजन भी होगा, ठीक है मुख्यतः किस चीज पे, प्रेशर बेल्ट पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, पोलर ईस्टर पोलर सब पोलर लो है। ये एनिमेशन मैं आपको पहले भी दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता था पहले आप खुद भी थोड़ा जूझो, खुद भी चीजों को थोड़ा समझो, ताकि आप इस एनिमेशन को एक बार भी समझ जाओ, ठीक है पिक्चर क्लियर हो जाए। तो बच्चों तीन चीजें आप इस एनिमेशन को देख के समझोगे, प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन, द सेलुलर मॉडल्स विच आई यस्टरडे आई टॉट यू, एंड टुडे विच आई विल टीच यू द प्लैनेटरी विंड्स मॉडल। ओके सो लेट्स स्टार्ट द एनिमेशन, मैं अभी स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको है अनऑब्स्ट्रक्टेड जो व्यू जो मिल सके। ओके देखा है तो अच्छी बात है, दोबारा देख लो, मैं बोलता भी रहूंगा बीच में तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों लो प्रेशर बेल्ट, अब चालू करते हैं एनिमेशन को। ओके सो गाइस पिक्चर चालू होने वाली है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों ये देखिए लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे, और ऊपर है सब प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, और उसके ऊपर है सब पोलर लो, जिससे कि बच्चों ये सेल क्रिएट हो रहे हैं, ये तीन तीन सेल क्रिएट हो रहे हैं, तीन ऊपर तीन नीचे, हार्डले फेरल और पोरल, ठीक है हार्डले फेरल और पोलर सेल। बच्चों ये हार्डले है, ये फेरल है, ये पोलर सेल है, ठीक है तीन सेल क्रिएट हो रहे हैं अपने, कल मैंने आपको बता दिया था, ये इक्वेटर है हमारा, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होता है वही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो बच्चों इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलती है आपको, इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है आपको, जो कि डायरेक्टली इंड्यूस होती है क्योंकि सूरज की गर्मी यहाँ पे बहुत तेज पड़ रही है। आप देख सकते हो सूरज की गर्मी डायरेक्टली पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी द लो प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड हियर एंड दिस इज नोन एज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके बच्चों भाप बन के उठ रही है यहाँ से, इक्वेटर है, गर्मी है, भाप उठ रही है, अपर कन्वेक्शन हो रहे हैं। अब अपर कन्वेक्शन कहां तक होंगे, एक सीमित समय सीमित जगह तक होंगे, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री तक होंगे, राइट सो ट्रोपोपॉज तक होंगे, जिसको बाउंड्री कहते हैं, मैंने आपको बताया था। अब ऊपर तो जा नहीं सकते, तो राइट लेफ्ट चले जाएंगे, तो राइट लेफ्ट चले गए, ठीक है नॉर्थ ऊपर गए, राइट लेफ्ट चले गए, एक सदर्न हेमिस्फीयर में चले गए, एक विंड का गस्ट है, एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले गया। अब ज्यादा ऊपर रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, तो सिंक करेगा। तो बच्चों सिंक कहाँ करता है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे ब्रांचेस दोनों सिंक कर जाती है, और बस बच्चों सिंक हो गया तो हाई प्रेशर बन गया, और अगर अप ड्राफ्ट हो गए तो लो प्रेशर बन गया। तो इक्वेटर से जो सारा सामान है वो ऊपर उठ रहा है लो प्रेशर, और हाई प्रेशर बन रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। तो बच्चों इससे ये बनता है हमारा हार्डले सेल, दिस इज द हार्डले सेल, ओके दिस इज द हार्डले सेल। ओके इक्वेटर से उठी गर्म हवा, ऊपर गई ठंडी हुई, और गिर गई हाई प्रेशर पे, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे गिर गई, ये आपका बन गया हाई प्रेशर, कन्वेक्शन करंट्स इनको कहते ही हैं, मैं आपको बता ही चुका। अब बच्चों नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं सूरज की रोशनी कम पहुंचती है यहाँ पे, यहां से गाइस पोलर ईस्टरलीज का जन्म होता है, क्योंकि हाई प्रेशर है पोल्स पे, मैंने बोला था 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होगा, तो यहां से हवा चलेगी आपके इक्वेटर की तरफ, ठीक है तो इसे हम कहते हैं पोलर ईस्टरलीज। ओके और बच्चों पोलर ईस्टरलीज ये आपके है, ये पोलर ईस्टरलीज है, ये आपके मिल रही है वेस्टर्ली हवाओं से, ठीक है और ये कन्वर्ज होती है यहाँ पे, ठीक है ये पोलर ईस्टरली है, और ये थोड़ा रोक देता हूं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई है चीजें एक बार रोक। तो बच्चों आप देखिए ये है पोलर ईस्टरली हवा चल रही है यहां से यूं,
क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहां पे भी हाई प्रेशर है, कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ST सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से भी हवा चल रही है, तो इससे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो रही है, हवा ऊपर उठेगी, हवा उठेगी तो आधी हवा इधर जाएगी, फिर ये हवा यहीं गिरेगी और ये चक्कर जो है चलता रहेगा, इसे हम कहते हैं पोलर सेल, ठीक है। और गाइस ये इसी हवा का पार्ट जो जमीन पे चलता है, जो मतलब ये सेल है तो जमीन पे भी तो चल रहा है तभी तो उठ रहा है, ये जो जमीन वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पोलर ईस्टरलीज, समझ गए आप। तो आप दोबारा देखिए, मैं एनिमेशन चालू कर देता हूं मैं, राइट। ओहो आगे काफी शुरू से हो गया है, वही जो आपको शुरू से दिखाना पड़ेगा, बीच में रोक के गलती हो गई, वहां वापस चल नहीं रहा, वहां से ऑप्शन दे नहीं रहा मुझे, नहीं दे रहा ऑप्शन, दे रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों दोबारा देख लेते हैं बीच में से, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया था, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है। सो बच्चों दोबारा देख लीजिए कैसे लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, वहां से आपके पानी जो वो सॉरी पानी के अपर एयर कन्वेक्शन हो रहे हैं, ये आपके गिर रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर गिर रहे हैं, ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे गिर रहे हैं, कोई तो हाई प्रेशर बन रहा है वहां पे, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। बच्चों अभी मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कई चीजों में ये अपना इसका रोल होता है। सो यू कैन सी द एयर इज राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर एंड फॉलिंग एट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट विच इज लोकेटेड एट द 30 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ, ओके। नॉर्थ पोल से साउथ पोल से मैंने आपको बता ही दिया हाई प्रेशर होता है बच्चों, तो हवा बाहर निकलेगी यहाँ से, जिन्हें हम कहते हैं पोलर ईस्टरलीज। तो ये जो दिख रही हैं आपको तरंगे निकल रही हैं, ये पोलर ईस्टरलीज ही हैं, दीज आर द पोलर ईस्टरलीज मिलती है बच्चों वेस्टरलीज से, और ये सब पोलर लो बनाती है, फिर सब पोलर लो प्रेशर। अब देखो बच्चों ऊपर से आ रही है पोलर ईस्टरलीज है, ये पोलर ईस्टरलीज चल रही है, नीचे से वेस्टरलीज चल रही है, दोनों मिलेंगी तो कन्वर्जन जोन्स होगा, कन्वर्जन जहां पे होगा वहां पे हवा ऊपर उठेगी, दोबारा ऊपर उठेगी, समझ रहे हो, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती है ऐसे लो प्रेशर। कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर यहाँ पे तो गर्मी नहीं पड़ती तो फिर लो प्रेशर कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए होता है गाइस क्योंकि वहां पे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज मिलती हैं, ओके। सो गाइस कुछ इस तरह का होता है माहौल, सब पोलर लो पे राइजिंग एयर है, क्यों राइज कर रही है, क्योंकि ईस्टरली, अब देखिए बच्चों आप ये आ रही है ईस्टरली, पोलर ईस्टरली, पोल से ठंडी हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं आ रही है वेस्टरलीज, ये गर्म हवाएं जा रही है इधर से, ये मिल रही है दोनों, मिल नहीं पा रही, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, सब पोलर लो बन गया आपका, इक्वेटर है ये, ओके, हाई प्रेशर रीजन बन गया यहाँ पे, हाई प्रेशर रीजन लो प्रेशर रीजन है आपका, ठीक है। अब बच्चों विंड्स, अब गाइस ये जो पूरा चक्कर है, ये जो पूरा चक्कर मैंने आपको बताया, वो ऑब्वियसली लैंड पे भी तो विंड फ्लो करेगी, जो कि बच्चों कुछ इस तरह से होती है, यहां पे मैं रोकना चाहूंगा एनिमेशन को एक बार, ओके। सुरेश अभी तक हमने ये समझा था, ओके सुरेश, टिल नाउ आई टोल्ड यू कि हार्डले सेल है, ठीक है, तो हार्डले सेल बच्चों पूरा, ओहो पेन और मेरा वो कहाँ गया, सुरेश मैंने आपको बताया था कि हार्डले सेल पूरा ऐसे, गाइस अब विंड का जो मेन पार्ट आ रहा है आपके, ठीक है, सुरेश Until I told you कि हार्डले सेल ऐसे पूरा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, हवा यहां से ऊपर गई ट्रोपोपॉज से, फिर इधर राइट में चली गई, बहुत ठंडी हो गई, फिर वापस धरती पे आ गई। अब बच्चों धरती पे आके कहां जाएगी, अंदर थोड़ी चली जाएगी, मेंटल और कोर में थोड़ी पहुंच जाएगी, रहेगी तो सरफेस पे ही। तो बच्चों एक ब्रांच जो होती है इसकी
वो इधर आती है वापस, समझ रहे हो, यूं आती है वापस इक्वेटर की तरफ, उसे हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, देख लगता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आ रही हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ओके, दीज आर नोन एज योर ट्रेड विंड्स। और एक पार्ट इधर चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड्स विच अफेक्ट द ह्यूमंस एंड द फ्लोरा एंड फौना एंड द बायोडाइवर्सिटी इन द ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। ओके, सो दिस इज द थिंग, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ओके, तो आप देख सकते हो अब, तो बच्चों ये जो नीचे इक्वेटर से पानी उठ रहा है हवा और फिर नीचे गिर रहा है, ये आपकी जो नीचे आ रही है, ये ट्रेड विंड्स है। ओके, अब ये थोड़ी टिल्ट हो जाती है बच्चों, डायरेक्शन इसका टिल्ट, सो एज यू कैन सी कोरियोलिस फोर्स इज टिल्टिंग, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रहा है कोरियोलिस फोर्स, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट, और हम इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, सो कोरियोलिस फोर्स बच्चों क्यों पैदा होता है? धरती घूम रही है क्योंकि, तो घूमने की वजह से ये सीधी आने वाली हवा जो है टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है गाइस, तो बच्चों ये है प्लैनेटरी, ग्लोबल प्लैनेटरी सिस्टम। ओके, ग्लोबल विंड प्लैनेटरी, एक मिनट, मैंने लास्ट में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था, सो यहां से आप दोबारा देख लीजिए एक बार लास्ट का। तो बच्चों कायदे से तो विंड यू फ्लो होनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस की वजह से चेंज हो जाता है इनका डायरेक्शन, कोरियोलिस फोर्स की वजह से थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में टिल्ट हो जाती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फेयर में आपके लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये है बच्चों सारी बात, सारी गणित, कोरियोलिस फोर्स आपके इफेक्ट करता है इसको डायरेक्टली, राइट? ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो बच्चों ये ट्रेड विंड्स अब आ गई आपके ऊपर की तरफ, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज आपको ऊपर दिखेंगी, उस तरफ जो ब्रांच जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जो जाती है वो वेस्टर्ली बन जाती है, 30 डिग्री साउथ से जो नीचे जाती है वो आपके वेस्टर्ली बन जाती है, ये वेस्टर्लीज बन गई, समझ रहे हो, और ईस्टर्ली तो पोलर पोल से आ ही रही थी। ठीक है, तो गाइज ये है पूरा सिस्टम प्लैनेटरी विंड्स का, ये तीन प्लैनेटरी विंड्स है पूरे धरती को घेरे हुए है, पोलर रीजन में आपको ये दिख रही है जो, ये पोलर ईस्टरलीज कहलाती हैं, समझ गए आप? कोई भी बच्चों कंफ्यूजन अगर अब हो तो हाथ छोड़ के आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों अब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा, समझ गए? तो भाई थम्स अप दे दो, अब समझ में आ गया है तो, जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग रेगुलरली नहीं आ रहे हैं 3 दिन से, आज तीसरी क्लास है, वो उन वो कुछ ना करें, वो बैठे रहें शांत, जिनको समझ में आ गया पूरा आज, वो थम्स अप एक बार दे दीजिए। ओके, थम्स अप बच्चों, मैं आ रहा हूं पानी लेके, जब तक थम्स अप मेरे को दिखने चाहिए यहाँ पे सारे भरे हुए। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों आपको एनिमेशन देख के मजा आ गया, मेरे को थम्स अप देख के मजा आ गया, दोनों का काम बराबर, हिसाब बराबर। अब बढ़ते हैं आगे, तो गाइज ट्रेड विंड्स हमने जाना। ओके, आपको मैं एक बार चित्रकारी भी थोड़ी कर देता हूँ, हालांकि चित्रकारी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी थोड़ी चित्रकारी कर देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों कुल मिला के आपने जाना, ये अपने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर है ये। ठीक है, तीन बेल्ट हमने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, जस्ट एक रिविजन है, पोलर हाई प्रेशर है ये, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ये, और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। ठीक है, ओहो ओहो ओहो, ठीक है, तो बच्चों सर लो प्रेशर हाई प्रेशर आप तो अल्टरनेट ऐसे भी याद हो, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, अब गाइस यहां से हवाएं चल ऊपर उठती हैं, नीचे आती हैं,
और ये जो हवा होती है इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, दीज आर द ट्रेड विंड्स। ओके, हालांकि बच्चों ये सीधी चलनी चाहिए लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है इसलिए हम इनको कोरियोलिस की वजह से होता है वो। अब बच्चों ट्रेड इवेंट, जिनका ट्रेड से कोई रिलेटेड नहीं है, आपको लग रहा होगा ज्यादा हमारे सुपर माइंडेड बच्चे सोच रहे हो कि यार पुराने जमाने में सर ने इतनी सारी बातें बताई जो सेलर्स से रिलेटेड है, तो बच्चों इनका कोई ट्रेडर्स से कोई सेलर से कोई कनेक्शन नहीं है कि पुराने कोई ट्रेड व्रेड में कोई ऐसे ही उससे कोई कनेक्शन नहीं। जस्ट फॉर द सेक वी से देम ट्रेड विंड्स। ओके, ये होती है बच्चों, इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्यों कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स? क्योंकि गाइज ये जो आदमी यहां पे खड़ा है कोई, उसको लगेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। ओके, नॉर्थ ईस्ट जिस डायरेक्शन से विंड आती है अक्सर हमें उस डायरेक्शन के नाम पे ही उसको कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है ऐसा लगेगा आपको, प्रतीत होगा। इसके ऊपर बच्चों आपके वेस्टर्लीज आती है, इनको वेस्टर्लीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्ट है तो ये वेस्ट की तरफ से आ रही है लगभग लगभग, इसलिए हम इनको कहते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ऐसा लगेगा यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। ऊपर बच्चों आपके निकलती है यहां से, कलर चेंज कर देता हूँ, बोरिंग हो रहा है बहुत, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। बहुत ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगता है पोल्स पे, आपको पता है कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल्स पे, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, एकदम डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इन्हें हम कहते हैं पोलर ईस्टरलीज। अब ईस्टरलीज क्यों है? क्योंकि बच्चों आदमी जो यहाँ पे खड़ा है बेचारा सर्दी में, उसको लग रहा है कि ये ईस्ट से आ रही है, उसको ये ईस्ट से आती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए इनका नाम पोलर ईस्टरली रखा गया है। ऐसा ही कुछ पिक्चर बच्चों नीचे भी होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं इनको, नीचे वाली को कहते हैं साउथ ईस्ट। ओके, द लोअर वंस आर कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि बच्चों साउथ ईस्ट से आ रही हैं ये साउथ है। ओके, ये ईस्ट है, ये आ रही है यहां से, जैसे ये ईस्टर्न डायरेक्शन हो गया, ये साउथ है तो ये आ रही है यूं, ठीक है, ये नॉर्थ है, ऊपर वाली आ रही है यूं, तो ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, ऊपर वाली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाली, और सदर्न हेमिस्फेयर वाली कहलाती है साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहलाती है, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्यों कहलाती है बच्चों? क्योंकि साउथ ईस्ट से आ रही है। ये क्यों कहलाती है? कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, वेस्टर्लीज दोनों सेम है, पोलर ईस्टर्लीज दोनों सेम है, सिर्फ यहां पे साउथ ईस्ट लग जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में चली गई तो, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लग जाएगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा गणित में जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है अपने को ये, ठीक है, यानी कि इस इलाके में 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ में आपको ट्रेड विंड्स मिलेगी, बिल्कुल सही। हम ये मान रहे हैं अभी कि सूरज अभी एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर है, क्योंकि ये भी अपने को जानना जरूरी है। मैं आपको बताया था कि इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर जब चेंज होता रहता है सूरज के ऊपर नीचे जाने से, बेल्ट सिस्टम पूरा चेंज होता रहता है, समझ गए आप? नेक्स्ट इज योर, ओके, सो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, डिफ्लेक्ट होती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपको ये। ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बच्चों ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल आ चुका है, या पता नहीं मुझसे किसी ने पूछ लिया था इंटरव्यू में, या कहीं कुछ हो गया था इसमें, ठीक है, या मेंस में आ चुका है। तो बच्चों मिलती हैं दोनों आपको पता ही है, फिर ITCZ जो है पे मिलती हैं ये, फिर अपर यहाँ से कन्वेक्शन होने लग जाते हैं, दोबारा गिरती है फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। ओके, तो ये अब गाइस एक बेल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना समझना जानना, वो आप जान पढ़ ही चुके हो, समझ ही चुके हो अब तक, दैट इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो बच्चों ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा हमेशा, लो प्रेशर। ये जो बेल्ट है बच्चों इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, सब ट्रॉपिकल इसका, क्योंकि काफी इंपैक्ट पड़ता है, काफी इंपैक्टफुल है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो बच्चों मुख्यतः तीन ऐसे इवेंट्स क्रिएट होते हैं जिसका आपका, मेरी और दुनिया में हर आदमी का रिलेशन है, जो कि इस बेल्ट से क्रिएट होता है। यहाँ पे ये एयर सिंक होती है तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इससे बच्चों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, और इस बेल्ट से कई चीजों का जन्म होता है,
कई चीजों का जन्म होता है सिंपली, वो सब आपको पता है, मगर मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं बस उसके लिए। सबसे पहले बच्चों इस हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से ट्रेड विंड्स का जन्म होता है, ठीक है। सो पहला इंपॉर्टेंस है ट्रेड विंड्स, समझ रहे हो। दूसरा बच्चों इसका इंपॉर्टेंस है, इस बेल्ट की वजह से, हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से वेस्टर्लीज का जन्म होता है, ठीक है। वेस्टर्लीज का जन्म होता है, वेस्टर्ली हवाओं का। अब बच्चों ये वो इलाका है जहां पे अधिकतर दुनिया की आबादी रहती है, जहां दुनिया की आबादी रहती है वहां पे कोई क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहा है, वहां पे कोई हवा चल रही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अर्थक्वेक रेगिस्तान में आए तो हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी भयानक आए, एक मिट्टी का टीला इधर हो गया, दो उधर गिर गए, उधर उधर हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही अर्थक्वेक किसी बड़े शहर में आ जाए तो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही बात है बच्चों, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, अब बच्चों इसी एरिया में अधिकतर इंसानों की आबादी जो है बसी हुई है, तो ये यहाँ पे वेरियस ज्योग्राफिकल फिनोमेनास, चाहे आप मॉनसून की बात कर लीजिए जिसको आप सबसे अच्छे से समझते हैं, अभी मैं ज्यादा हाईफाई बातें नहीं कर रहा आपके साथ, मेडिटेरियन क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, लॉरेशियन क्लाइमेट, समझ रहे हो आप, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, उन सब पे प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं ऑब्वियसली इस हेमिस्फेयर में, इस जगह पे। तीसरा बच्चों की इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती है बच्चों, डेजर्ट्स क्रिएट करती है यहाँ पे इस हाई प्रेशर बेल्ट पे। आपको पता है हाई प्रेशर में बारिश जो है नहीं होगी इतनी, तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो रेगिस्तान हो जाएगा। ये सवाल आपके यूपीएससी में आ चुका है कि वाई द ऑल द डेजर्ट्स, आपको दिखाया भी था मैंने आपको। तो ये बच्चों तीन बातें हमने सीखी यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से ट्रेड विंड्स जनरेट हो रही है, वेस्टर्ली जनरेट हो रही है, और आपके डेजर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ओके। सो ये तीन बातें बच्चों जिंदगी में आप कभी ना भूलें। मैंने आपको दिखाया भी था शायद पिक्चर यहाँ पे गई हो तो, इसमें है नहीं, शायद मैंने आपको पहली क्लास में दिखाई थी, इसमें नहीं है गई जो ना, तो पिक्चर आप देख लेना, वो पूरा मैप है अच्छे से, इसमें कि कैसे बताया गया है कि इस लैटिट्यूड्स पे आपके कैसे जो है, इन लैटिट्यूड्स पे जो अधिकतर आपको रेगिस्तान मिलेंगे, सबसे बड़ा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। गाइज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी राइट नाउ, राइट हेयर नाउ, लेट मी टीच यू अबाउट द वेस्टर्लीज। बच्चों समझ आप गए हो सारे के सारे, बस ये थ्योरी में लिखी है वही चीजें आपके पढ़ने के लिए, रिविजन आपको करने के लिए काफी रहेगा ये मेरे हिसाब से, ओके। सो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी इशू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, दैट इज द सिद्धार्थ अंडरस्कोर यून, पब्लिक प्रोफाइल है, ओपन प्रोफाइल है, मुझे मैसेज कर सकते हो वहां पे डायरेक्टली, याद रहेगा सिद्धार्थ अंडरस्कोर यून, वहां पे टेलीग्राम का भी लिंक है और भी लिंक है, सारे लिंक है उसी प्रोफाइल पे, ठीक है। सो ओके, तो वेस्टर्लीज गाइज आपको बता ही दिया मैंने, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जनरेट होती है और सब पोलर लो तक जाती है, फिर आगे फिर वहां पे दोबारा हवा में उठ जाती है, ये गर्म होती है, ओके। तो पोल की तरफ जाती है तो पोलर ईस्टर्ली से मिलती है वहां पे, तो गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो मिक्स नहीं होती, तो ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, समझे क्या या नहीं समझे, नहीं समझे मैं समझाता हूं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ, ओके। साउथ वेस्ट मतलब ये बच्चों, साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, यानी कि यहां से चलती है कहां पे, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि वेस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर, अब जो वेस्टर्लीज का एक खास एक बात आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ओके। अब गाइज आपको पता होगा, आपने अगर ग्लोब देखा है कभी या वर्ल्ड मैप देखा है कभी, तो गाइज अधिकतर जो हमारा जो वो है, ठीक है, लैंड एरिया है, वो अपना अधिकतर जो है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, समझ गए आप। ऐसे बच्चों मैप आपको भी बनाना आना चाहिए 10 सेकंड में वर्ल्ड मैप, ताकि आप हर चीज क्या है बता सको वहां पे जल्दी से, समझ गए। जरूरी नहीं है चित्रकारी एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मैप बनाना है बिल्कुल, एक कर्व जो है वो वहीं पे, कुछ नहीं होता उससे, आप कोई वहां पे कोई कार्टोग्राफर नहीं हो, ठीक है। अपनी चीज अपन ने बता दी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आया तो बता दिया यहाँ पे फटाफट ऐसे मैप बना के, तो ये मेंस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब गाइज वर्ल्ड जो है अधिकतर बच्चों की इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है यहाँ पे,
तो गाइस अधिकतर लैंड एरिया आप देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लैंड एरिया ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया है, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो बच्चों वेस्टर्लीज यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग होती हैं, वेस्टर्लीज यहाँ पे स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि आप देखिए इनको रोकने वाला कोई नहीं है। बच्चों हवा को कौन रोकता है, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकता है, और फ्रिक्शन ज्यादा जहां ऊपर जहां लैंड है, जहां उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, वैलीज है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। लेकिन बच्चों सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो यार पानी पानी है, कहीं लैंड है ही नहीं, अधिकतर मतलब मोस्टली पानी पानी ज्यादा है। ओके पानी पानी रे, वो गाना तो सुना ही होगा आपने, तो बच्चों पानी पानी है हर जगह पे। तो गाइस यहाँ पे वेस्टर्लीज जो है थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है, थोड़ा स्पीड से फ्लो करती हैं। ओके सो बच्चों इसलिए पुराने जो नाविक जो थे हमारे, उन्होंने इनको नाम दे रखा है, इसके फेमस है रोरिंग 40s, ओके फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s, यानी के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के ये लैटिट्यूड्स हैं, 40, ओके 50 और 60। तो ये कह तो बच्चों ये कहते हैं सदर्न साउथ के हैं, सारे सदर्न हेमिस्फेयर के हैं, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। तो गाइस इतनी तेज हो जाती है वेस्टर्लीज, ओके जिस ऑब्वियसली बच्चों वेस्ट हवा अगर तेज होगी तो समुद्र की लहरें भी तेज होगी, और समुद्र की लहरें अगर तेज होगी तो जहाजियों को, सेलर्स को प्रॉब्लम होगी उससे। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्यूरियस 50s, क्योंकि 40 डिग्री साउथ पे अगर आपका जहाज है तो आपको खतरनाक लहरों का सामना कर सकता है, जो आपके जहाज को एकदम हिला सकती है। ये और भी बच्चों, ओके सॉरी 40 डिग्री पे रोरिंग 40s, रोर करती हैं ये, यानी कि तेज हो जाती है नॉर्मल से 40 डिग्री साउथ पे। सबसे पहले आप और नीचे जाओगे सदर्न हेमिस्फेयर में, मना किया था आपको जाने के लिए, वहां नहीं है जाने की जरूरत क्योंकि वहां पे एंटार्क्टिका है, कुछ भी नहीं है, और जाना चाहते हो आप 50 पे बच्चों फ्यूरियस हो जाएंगी, बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी ये वेस्टर्लीज। और बच्चों वेस्टर्लीज खतरनाक हो रही तो ऑब्वियसली करंट्स जो होते हैं वो भी खतरनाक हो जाते हैं, और वो शिप को डैमेज कर सकते हैं और डुबो भी सकते हैं। फिर लेकिन बच्चों 60s के बाद, 60 डिग्री के बाद जो है श्रिंक होने लग जाती है, क्योंकि वहां पे इनको पोलर ईस्टर्लीज रोक देती है, आके इक्वलाइज कर देती है। तो ये पर्टिकुलर बच्चों टर्म है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, ये वेस्टर्लीज के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मत कर देना इसको टिक, कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात नहीं कर रहा मैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, सदर्न हेमिस्फेयर में इनको 40, 50 और 60s कहा जाता है। ओके ऑब्वियसली बच्चों वेस्टर्लीज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर और क्लाइमेट पे इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा पड़ता है, समझ गए आप? सो दिस इज द थिंग। तो बच्चों एक और मैप है जहां पे आपको क्लियरली दिख सकता है ये आपके ट्रेड विंड्स हैं, ओके ये ट्रेड विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ठीक है ये वेस्टर्लीज हैं, ये आपके पोलर ईस्टर्लीज हैं, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रेशर होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, समझ गए? ये तीन प्रकार की विंड है, और ये सिमिलरली आपके नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फेयर में रेप्लिकेट होती है। पोलर ईस्टर्ली बच्चों देख ही सकते हो आप, पोलर सेल जो बनता है तो ये चलती हैं जो आपके, ठीक है यूं चलती हैं ये जमीन पे, फिर यहाँ पे उड़ जाती हैं सब पोलर लो पे आके, फिर इधर है फिर श्रिंक कर जाती हैं 90 डिग्री पे, ओके 90 डिग्री पे श्रिंक करती हैं, फिर इधर आती हैं, फिर इधर होती हैं, ओके तो ऐसे चलता रहता है चक्कर ही। और अर्थ पे जो फ्लो होती है हवा, उनको पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। ड्राई कोल्ड बच्चों हड्डियां गलाने वाली विंड्स होती हैं ये, समझ रहे हो आप? तो ये पोलर वोर्टेक्स बताऊंगा मैं आपको, करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा कभी या ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगा, पोलर वोर्टेक्स एक्सपेंशन, पोलर वोर्टेक्स का एक्सपेंशन हो जाता है गाइस, जिसकी वजह से पोलर ईस्टर्लीज आपके काफी लोअर लैटिट्यूड्स में पहुंच जाती है, अमेरिका के फ्लोरिडा तक पहुंच जाती है, कैलिफोर्निया में -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है व्हेन द पोलर वोर्टेक्स गेट्स एक्सपेंडेड। सो द पोलर ईस्टर्लीज हैव देयर एक्सटेंडेड रीच टूअर इनर पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड टू द साइबेरिया, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन कोल्ड वेव इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है, दे ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर टू द सब पोलर लो। बच्चों समझ में आ गया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। ओके
ऐसी कुछ समस्या आई हो तो जरूर पूछें। हिंदी में तो बता रहा हूँ यार, मतलब फारसी में थोड़ी बता रहा हूँ, हिंदी तो बोल रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, कोई फटाफट प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछिए, ताकि अपन करते हैं क्लास जो है 3 बजे। बच्चों आप आ ही रहे हो, और 3 बजे आप आ ही रहे हो, अभी सिक्योर प्रीलिम्स की क्लास है। बच्चों सिक्योर प्रीलिम्स की क्लास में आपसे माफी चाहता हूँ, अनअकैडमी ने मुझे बोल रहा है कि इसकी एक क्लास तो सर आप ऐसी सेम टू सेम प्लस वालों के लिए भी लो। तो अब बच्चों देखो टाइम नहीं है मेरे पास यार, 4 क्लासें मैं लेता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। 2 क्लास मेरी इधर होती है, 11, एक ये होती है, एक शाम को होती है, ठीक है। 2 क्लास होती है स्पेशल पे, होती है 11 बजे और 3 बजे। 4 घंटे बच्चों, 4 घंटे, 4 घंटे आपके लिए हैं ये। इसके पीछे 2 घंटे का हर क्लास के पीछे हार्डवर्क होता है। ये पीपीटी बनाओ, ये एनिमेशन डालो, हर 1 घंटे के पीछे 2 घंटे का हार्डवर्क होता है, यानी कि 4 × 3 ओके 12 घंटे। अब गाइज मैं एक और आर एक्स्ट्रा नहीं दे सकता प्लस के ऊपर, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे कट डाउन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों कट डाउन करना पड़ेगा। तो मुझे यही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्लास कर दूँ, अपन 3 बजे की क्लास यहाँ रख लें, 11 बजे हम इसको प्लस वाले बच्चों के लिए ले लें, और आप भी बच्चों प्लस पे आओ, ताकि आप भी यार दोनों कर पाओ क्लासेस, ठीक है। तो इस पे बच्चों मत रहो यार, यूट्यूब यूट्यूब के चक्कर भरोसे मत रहो ज़्यादा, ठीक है। टॉपिक वॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो गाइस आपके लिए प्लस और आइकॉनिक ही है, देर सवेर आप आओगे ही, जब आप समझोगे मेरी बात, जब आप आओगे ही। लेकिन बच्चों तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ बहुमूल्य समय जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो आपसे निकल चुका होगा। आप आओ, आप तो जाओगे मगर साल भर 6 महीना लगा दोगे। इस साल भर 6 महीने में आप बहुत आगे निकल सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम क्लियर करने के चांसेस को बेटर कर सकते हो। तो बच्चों आप आ सकते हो, आना चाहिए आपको, ओके। अनलिमिटेड एक्सेस होता है वहाँ पे, कई सारे फायदे हैं, एक नहीं कई सारे फायदे हैं यार, आप खुद ही समझ जाओगे जब आओगे। आइकॉनिक प्लस पे आप बच्चों जुड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रूमर हो, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो लेने से सब्सक्रिप्शन, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे कोड के साथ बच्चों लीजिए, ताकि आपको मेरा पर्सनल नंबर मैं दे सकूँ, और जो है उससे आपकी गाइडेंस और मेंटरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। लोन पे भी आप ले सकते हो, अप्लाई कर दीजिए, नीचे ही लिंक है, बुक्स आपको मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लोन लेने का, 10,000 की किताबें आपको मिल रही है, घर तक पहुंचा दी जाएगी, फिजिकल बुक्स हैं। बैचेस चालू हो चुके हैं जीएस के, 30 तारीख को, आने वाले 5-6 दिनों में और नए बैचेस चालू होने वाले हैं, उनमें आप एनरोल कर सकते हो, ओके। हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल, जो भी आपका माध्यम है, ऑप्शनल के बैचेस चालू होने वाले हैं, जुलाई के अंदर सारे ऑप्शनल के बैचेस चालू हो रहे हैं, ओके। कोड यूज कीजिए बेटो, सिड यूपीएससी, और सारी चीजों का फायदा उठाइए, पर्टिकुलरली टेलीफोनिक मेंटरिंग, अशोर्ड गाइडेंस एंड मेंटरिंग, और रियल में बच्चों मेंटरिंग यहाँ पे दी जाती है आपको, सिर्फ ऐसा बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आपको नंबर दिया जाता है, मेरा पर्सनल नंबर। और अब जूम कॉल्स भी हम करने लगे हैं, आप लोगों के साथ भी करता हूँ और प्लस वालों के साथ भी, तो अलग लेवल के जूम कॉल्स होते हैं वो, और नंबर आपके पास मेरा रहेगा ही पर्सनल, तो कहीं से भी मेरे हिसाब से फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये है आपके फीस प्लान, यहाँ पे आप 10% की छूट पा सकते हो मेरे कोड से। अगर आप कॉम्बो लेते हो, कॉम्बो ही लेना बच्चों, जब भी लो, नहीं मिले लिंक मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा, कॉम्बो में आपको डिस्काउंट भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, और वही लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शनल यहीं पर कवर किया जाता है आपका सही से, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, वेरी वेरी थैंक यू टू जसविंदर, सिजर, कार्तिक, सोनिया, ऋषिका, शीला, अभिषेक, शिवम, ओके, कार्तिक, ओके, ऋषिका, तनुश्री, सुजुका, ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू एट टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि जो है पीडीएफ मिल जाए आपको। तो गाइस गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।